अनलॉक की प्रक्रिया के तहत इंदौर में शर्तों के साथ सीमित गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, सभी के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता हासिल हुई है। अनलॉक होने के बाद भी शासन प्रशासन का अमला मुस्तैद है। मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद है। सर, एक बड़ी राहत दी गई है सीएम की तरफ से, कितनी राहत और कितनी शर्तों के साथ आज जो है अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई? जानते हैं, कई महीनों के बाद जब ये कोविड बड़ी चुनौती, बड़ा संघर्ष, बड़ी आपदा हमारे सामने थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार, उसके मुख्यमंत्री निरंतर 24 घंटे अपने मध्य प्रदेश की सेवा, चाहे ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की बात हो, बेड की हो, रेमडेसिविर की हो, ये फंगस के हर स्तर पर, वो समाज के अंतिम व्यक्ति, उसकी आपदा में उसकी राशन की, हर स्तर पर सरकार प्रयास कर रही थी। सुखद हमारा मध्य प्रदेश का प्रांत मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी स्थिति में आया है। और इंदौर भी अभी जो पॉजिटिव रेट है वो 5 से ऊपर है, वो भी इंदौर वासियों के बासिंदे जब भी करते हैं, अद्भुत करते हैं, उनका सहयोग मिलेगा। जो कल जो सुविधाएं दी हैं कुछ छोड़कर, वो सारी सुविधाएं हमने आम नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को देने की कोशिश की। और अभी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ हमको ठीक करना है, क्या सुविधा और देना, ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इंदौर में स्थिति काफी अच्छी हुई है, जनता को रियायत भी मिले और कोरोना को नियंत्रित भी किया जा सके, इसको लेकर किस तरह से सामंजस्य बैठाया गया? अभी जब ये छूट मिली है तो हमारे भाई और बहन हर वो सामग्री खरीदने, सामान खरीदने बाजार जाएंगे, इसमें हमारा अमला चौकन्ना है, सजग है और जागरूक है कि कहीं भीड़ ना हो, मास्क पहन के जाएं, दूरी बना के रखें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो अपने स्वयं की रक्षा खुद को करना, परिवार की रक्षा करना, अपने अंदर की करना, अपने मोहल्ले की करना, अपने बाट की करना है, अपनी बस्ती की करना है, ये हमारे उनसे अनुरोध है। जिस तरह से बात की जाए, अगर दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जाए, अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सरकार जो है किस तरह से प्रयास करेगी? मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी इसके लिए बहुत चिंतित हैं। पहली प्राथमिकता उनकी है ये चुनौती और ये आपदा जो आई थी, ऑक्सीजन की आएगी तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर ऑक्सीजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और इसी प्रकार से हर जगह, हर जिले में बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बच्चों को अलग से बेड बढ़ाने की सुविधा की जा रही है। जो कठिनाई और जो समस्या जो अभी द्वितीय लहर में आई थी, तो कोशिश करें भविष्य में नहीं आए, इसके लिए हम लोग पूरी सरकार प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी, जिनका कहना है कि आज से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है और आने वाले समय में धीरे धीरे और भी जो है राहत देने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ मैं अशरफ मंसूरी, न्यूज़ वर्ल्ड इंदौर।